Assalamualaikum students, starting in the name of Allah who is the most merciful and beneficent. How are you students? I hope your family are safe and good. Welcome to class 8th, first online lecture of mathematics. New students, aapke class 8th mein jo mathematics mein books aap syllabus mein add hai wo hai hamare paas PTB walon ke Punjab circular. Aap dekh sakte hain iska title page jo hai aapke paas. ओके ये बुक आपके 8th क्लास में के सिलेबस में ये वाली बुक इंक्लूडेड है. ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने ये वाली बुक परचेज करनी आई होप आप लोगों ने परचेज कर ली होगी. तो टुडे आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर लेक्चर्स वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. एज यू नो स्टूडेंट्स, द होल वर्ल्ड is facing the epidemic disease of COVID-19. Its third spread recently. Its third spread is severe. So all of you have to take care of yourself. Being stay at home, wash and sanitize your hand frequently, at least 10 to 12 seconds must, and don't touch your eyes, nose and mouth without washing your hand, and don't kneel. Okay, before meal you wash your hand at least 10 to 12 seconds frequently. Okay students, if you go out you must wear face mask and keep social distance. Okay students, now we start our today lectures. So open your book. Dear students, जैसे कि आपको जानते हैं आप क्लास 7 से क्लास 8 के लेवल पे आ गए हैं. ओके, तो अब आपने क्या करना है, मैथ के अलावा मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी डेली जो लेक्चर्स आ रहे हैं आप लोगों ने उन सबको रेगुलरली पे आप लोगों ने उनको अपना होमवर्क भी करना है, उनको समझना भी है. ओके, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लोगों ने जो टीचर्स आपको करवा रही हैं, जैसे साइंस सब्जेक्ट्स आपके उर्दू है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स का जो टीचर काम करवाती है, रीडिंग करवा रही है, उनको रीड करना है, समझना है, और क्वेश्चन आंसर को मस्ट डेली बेस पे आप लोगों ने लर्न करना है. ओके, आप लोग डेली बेस पे लर्न करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देंगे, आप लोग अच्छा रिजल्ट आएगा. ओके, अब आप लोग ये छोटा 6-7 लेवल की आपकी बुक्स नहीं है, आप 8th क्लास के लेवल की बुक्स है. नेक्स्ट अभी अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेते हैं, जब आप 9th प्री 9th में आप लोग नेक्स्ट दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. इसीलिए आपकी ये मैथ की बुक रखी गई है ताकि यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर हो जाए, यहाँ पे आपके क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट इजिली 9th की बुक को स्टडी कर सकेंगे. ओके, तो डेली बेसिस में तमाम सब्जेक्ट को आप लोगों ने का काम करना है, ठीक है. कोई भी काम आप लोगों ने इकट्ठा करके नहीं रखना कि ड्यूरिंग पेपर कर लेंगे या कुछ दिनों तक कर लेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. एक साथ तमाम काम इकट्ठा करके करना. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी, आप लोग फॉलो भी करेंगे अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को. अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यूनिट जिसमें पेज नंबर आप ओपन करें 2 जो कि है सेट्स. अब सेट्स आपको पता है डेली लाइफ में हम लोग रूटीन में हम लोग सेट्स यूज कर लेते हैं, जैसे वाटर सेट होता है हमारे पास, टी सेट होता है, ठीक है. लेकिन इन मैथमेटिक्स में सम कलेक्शन, ठीक है, कुछ कलेक्शन ऐसी है जिनको वेल डिफाइंड हो. ओके, जिनको हम लोग वर्ड्स में जिनको लिख सकें, लिखना हमारे लिए ईजी हो, ठीक है, जिनकी कोई वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, उनको हम लोग सेट के अंडर उसको स्टडी करते हैं. कलेक्शन ही होती है लेकिन डेली लाइफ की कलेक्शन में और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह से अपना फर्स्ट पेज रेडी करना है सेट्स के अकॉर्डिंग. यूनिट 1 नंबर 1 यहाँ पे आपने लिखना है, यूनिट नंबर 1, और उसके नीचे आपने यहाँ पे सेट्स की हेडिंग, सेट्स के लिए पेज कंप्यूटर शीट्स का लेना है और अच्छी सी शेप में कटिंग करके यहाँ पे लगाना है. नेक्स्ट सेट्स को डिफाइन करना है इस तरह से, ठीक है. आप जब भी कॉपी ओपन करेंगे तो आप इसको रीड करेंगे तो आपके लिए सेट को डिफाइन करना है या सेट की डेफिनेशन इजी हो जाएगी आपके लिए, आपके माइंड में बैठ जाएगी. फर्स्ट सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैंने जैसा आपको बताया था, और सिम्बल्स, ठीक है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होती है लेकिन वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम लोग सेट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जितने भी जैसे वावल लेटर्स के सेट है, इसमें ए ई आई ओ यू, सारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, मेंबर्स कहलाते हैं,
ओके। इसके जैसे ए फर्स्ट मेंबर है, ई सेकंड है, आई थर्ड है, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। जैसे डी सेट में वन और टू, और सेट्स को हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कभी भी स्मॉल अल्फाबेट यहाँ पे यूज नहीं करते, ओके, कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं। आई होप आपको सेट की समझ आ गई होगी, सेट किसे कहते हैं, सेट की थ्योरी सबसे पहले किसने पेश की थी, सेट की थ्योरी सबसे पहले जॉर्ज कैंटर, ठीक है, जो फाउंडर ऑफ सेट कहलाते हैं, 1873 में जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट की थ्योरी पेश की थी, ओके। अब आप लोगों ने सबसे पहले सेट को अपना फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज आप लोगों ने रेडी करना है, उस पर सेट को आपने लिखना है, ये इसके बाद सेट्स लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट इम्पोर्टेंट सेट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये भी आप लोगों ने अच्छी सी कंप्यूटर शेप में, कंप्यूटर शीट्स की कटिंग करके उस पर लिख के अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है, ओके। जिसमें पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और W से डिनोट होता है, नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि Z से हम लोग डिनोट करते हैं, और 0 प्लस माइनस 1 प्लस हर डिजिट विद प्लस और माइनस साइन के साथ आ रहा होता है, प्राइम नंबर वो नंबर जो जस्ट यूनिक नंबर होता है जो किसी भी टेबल पे नहीं आते, ठीक है, डिवाइड नहीं होते या किसी भी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते अपने टेबल के अलावा, सेट ऑफ ओड नंबर, ओड इवन नंबर आपको पता है, ओके, विद साइंस आपने लिखना है, रैशनल नंबर वो नंबर जिनको पी बाई क्यू टी फॉर्म में लिखा जा सकता, ओके। एक प्राइम था, कंपोजिट सेट था, और कंपोजिट सेट्स जो होते हैं हमारे पास जो के किसी भी दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहे हों, लेकिन उसमें इवन और ओड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे जो सेट्स गिवन है आप लोगों ने इन सेट्स को अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है, ओके। पहले सेट को अच्छे से और उसके बाद ये मुख्तलिफ सेट्स को इस तरह से लिख के इसको अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ जो कि हमारे पास प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक पे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हमें गिवन है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि ए सेट का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए, ए का तो हर सेट हर मेंबर बी में मौजूद हो लेकिन बी का एक मेंबर ए में ना हो, ओके, तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, देन द सेट ऑफ ए इज अ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इज नोटेड बाय, आप साइन देख सकते हैं, प्रॉपर सबसेट को ही हम लोग 7th क्लास में यूनिट 1 में स्टडी कर चुके हैं, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड रीड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम बताया जा रहा है, इफ ए इज 1, 2, 3 एंड बी इज 1, 2, 3, 4, ए के देखिए तमाम मेंबर्स बी में मौजूद है लेकिन बी का एक मेंबर 4 जो कि ए में नहीं है, इसलिए हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट, पहले सेट को डिफाइन किया है, फिर प्रॉपर सबसेट को, अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ बी टू सेट्स गिवन हो, ए इज अ सबसेट बी हो, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हो और बी भी ए का सबसेट हो, यानी कि बी के भी तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो ए इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ओके, एंड बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे और बी के ए में, तो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें यही काम है, आपने यही काम करना है, ओके। आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है, आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो इजीली हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट, पावर सेट सेट जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे, किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी काउंटिंग जो हम लोग पावर पार के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास पावर सेट कहलाता है। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इस तरह से आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा। जैसे हमें एक सेट ए गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं ए बी इसके एलिमेंट्स हैं, पावर ऑफ ए क्या है, फर्स्ट सेट हमेशा पावर ऑफ ए सेट में हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, नेक्स्ट ए का, फिर नेक्स्ट बी का, फिर दोनों का इकट्ठा, पहले सिंगल सिंगल दोनों का सेट बनाना है, फिर दोनों को इकट्ठा लिख देना है। इस तरह थ्री होंगे तो पहले थ्री को अलग अलग, फिर थ्री को टू टू के फॉर्म में, फिर लास्ट में थ्री के फॉर्म में लिख देते हैं एक सेट के अंदर, ओके। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, आपने ये सारी डेफिनेशन और ये सेट्स अपनी कॉपी पे पेस्ट करने हैं और आप लोगों ने याद करने हैं। इसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूनिट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी है, आप लोगों को ये करवा जाएगी।
एक्सरसाइज 1.1 अगर आप लोग कर सकते हैं जो लेक्चर दिया गया तो आप लोग खुद कर लें, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में खुद करवा जाएगा। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।